सो हाय व्यूअर्स एंड कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका एक और न्यू सर्वाइवल सीरीज की वीडियो में। एंड ये हमारा सर्वाइवल सीरीज का सेकंड पार्ट। एंड जैसे कि आपको याद हो, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर हमने केव एक्सप्लोर करी थी एंड आयरन ढूंढना एंड पूरा आयरन का आर्मर बना लिया था, जो कि हमने देख ही सकते हो। अब भाई मतलब डायमंड वायमंड हमारे पास इतने हैं नहीं जो हम उसका आर्मर बना ले, बट हाँ भाई शुरुआत में हमें आयरन का आर्मर ही मिल गया, वही खास बात है। एंड हाँ गाइज, जो आप अभी रिकॉर्डिंग देख पा रहे हो या अभी मुझे आप देख पा रहे हो ना, वो शायद आप तीसरी या चौथी रिकॉर्डिंग देख रहे होगी। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने भाई तीन या चार बार रिकॉर्डिंग करी, बट जो मेरी रिकॉर्डिंग थी ना वो पता नहीं कैसे ग्लिच के कारण यहाँ पे गायब भी हो गया, मुझे कहीं मिली नहीं ढूंढने के बावजूद। एंड फिर मेरा मोबाइल काफ़ी ज़्यादा लैग करा, तो फिर जब आखिरी मैंने रिकॉर्डिंग करी तो मोबाइल रिसेट करने के बाद वो भी उड़ गई। एंड अब जाके मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एंड अब जाके शायद आपको दिख रहा होगा मेरी रिकॉर्डिंग, भाई बहुत मुश्किल लगी है। बट मैंने सब कुछ आखिरकार फिक्स कर ही दिया है। एंड हाँ, आज का जो गोल था मेरा, मतलब आज का गोल था कि मुझे विलेज ढूंढना है, बट जो मेरे साथ हुआ है ना वो अब आगे देख लेना। बट आज मेरा जो अब नेक्स्ट गोल हो चुका है वो है एक हाउस बनाना, और कोई ऐसा वैसा हाउस नहीं कि एक झोपड़ी पट्टा बना लिया, भाई एक मेडिवसा कासल, जो कि भाई मुझे एकदम भाई योद्धा वाली फील देगा। तो भाई मुझे किसी भी तरह वो कासल बना ही लेना है। एंड भाई जो उसमें सामान लगाए ना वो कलेक्ट करते करते भाई साहब मुझे इतने दिन लगा, इसलिए सारा चीज़ का जो ये वाला पार्ट है आने में बहुत देर लग गई। बट हाँ भाई मज़ा काफ़ी ज़्यादा आने वाला, इसलिए वीडियो को जरूर से एंड तक करना एंड हाँ लाइक भी कर देना। सो बिना वेस्ट एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब मैं वीडियो बना रहा था एक्चुअली हुआ क्या, मैं सोचा कि आसपास मैंने यहाँ पे एक भी विलेज नहीं है, बट भाई जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा मुझे विलेज मिल गया। सीरियसली अभी आपको दिख नहीं रहा होगा बट हाँ मुझे विलेज मिल चुका है, मैं आपको जाके आगे दिखाने वाला हूँ। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पे आगे आप देख ही सकते हो, जिसको देख के मैं खुद चौंक गया था। एंड गाइस यार विलेज ढूंढने के बाद भाई मुझे यहाँ पे एक बड़ी सी एक केव दिख गई, जो कि इतनी बड़ी है कि भाई मेरी आँख फटी की फटी रह गई। एंड इसी में से जो मेरे कासे के जा रहे स्टोन थे वो सब मैंने यहीं से लिया, एंड जो आयरन वगैरह मेरे को थोड़ा बहुत लगा था वो मैंने यहीं से लिया है ना। तो यहाँ पे एकदम सही काम हमारा हो चुका है, बाकी सारा जो सामान है वो मैंने इस विलेज के अंदर कलेक्ट करके रखा हुआ है। एंड एक खास बात थी कि इस विलेज में था एक ब्लैक स्मिथ, जिसे मैंने लूट लिया, भाई डायमंड वगैरह नहीं मिले। तो यहाँ पे विलेज आप देख ही सकते हो, यहाँ पे विलेजर वगैरह भी है यहाँ पे अभी। तो ये देखो गाइस यहाँ हम आ चुके विलेज में, एंड ये देख सकते हो यहाँ पे झोपड़ी पट्टी यहाँ पे सारी की सारी बनी हुई है, गोलम विलेजर सब है। एंड ये जो है ना ये भाई कासल की बात की रिकॉर्डिंग जब मैंने बना लिया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा ब्लैक स्मिथ, जिसे अब मैंने अपना घर बना लिया, क्योंकि इस वाली चेस्ट में ओनली ऑफ मेरा सामान यहाँ पे, मतलब ये जो आप चेस्ट प्लेट्स देख पा रहे हो ना फुल हेल्थ वाले, ये सब मुझे यहीं से मिले। सीरियसली भाई चार चार चेस्ट प्लेट भाई साहब, इतनी देर में तो मैं फुल डायमंड का आर्मर बना लूंगा जब तक मैं इन्हें पहनूंगा। बाकी हाँ हमारा जो कासल है वो बन रखा है बस ये यहाँ पे। एंड गाइस जो फार्म देख रहे हो ना, ये सिंपल फार्म नहीं, मैंने यहाँ पे चेस्ट में सारा सामान रख रखा था भाई साहब। पर हाँ आपको मैं कह ही रहा हूँ कि जो कासल की बात की रिकॉर्डिंग मैं अभी कर रहा हूँ, वह जो रिकॉर्डिंग थी वो किसी ग्लिच की वजह से डिलीट हो गई थी, आपको तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। बट मैंने अपने मन से उसकी फिर से रिकॉर्डिंग नहीं करी है, क्योंकि मैंने कमेटी पोस्ट पे डाला था कि भाई मैं क्या करूँ, मैं फिर से आपको वही चीज़ करके दिखाऊँ या फिर नहीं। तो बहुत बंदों ने सबसे पहले ये कहा भाई हाँ तू फिर से दिखा, बट फिर मेरे कुछ सपोर्टर ने मुझे कहा नहीं भाई तूने वैसे ही मेहनत कर ली है, छोड़ तू, हमें तेरे पे विश्वास है, इसलिए यार मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं करी है। बाकी हाँ अगर आपको विश्वास है सो उसके लिए बहुत थैंक यू। एंड हाँ सॉरी भी कि मैंने वहाँ पे डिलीट कर दी, मेरी लापरवाही थी, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले बाहर निकल जाते मैं गिर गया था। तो हमने काफी सारी बातें यहाँ पे कर ली है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपना कासल बनाना।
गाइस कासल इज रेडी एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ 1, 2 एंड 3 टेंटर। भाई साहब ये जो कासल है ना जैसा मैंने सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बना है। बस एक दिक्कत हो गई है, वैसे दिक्कत है नहीं वो कोई भी, कि जो उसका गेट है मैं विलेज की तरफ से रखना चाहता था बट बिल्ड करते करते पता ही नहीं चला और मैंने इधर से गेट रख दिया। बट जो ये कासल है ना वो इतना तड़कता भड़कता है कि मैं क्या ही बताऊँ। आपको कैसा लगा भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड हाँ मैंने इसके झंडे बनाए पूरे भाई हिंदुस्तान जैसे, भाई हम हिंदुस्तानी हैं, अब अमेरिकन झंडा थोड़ी ना बना देंगे ऐसा ही इसलिए। एंड ये देख सकते हो पूरी सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे फेंस गेट लगे हुए हैं जिससे यहाँ पे विलेजर्स भी नहीं खोल पाएंगे एंड सिर्फ मैं घुस पाऊंगा। एंड हमारा गार्डन एंटर करते ही आपको दिखेगा। एंड अब आप सोच रहे हो कि भाई गार्डन की तो रिकॉर्डिंग ही नहीं आई भाई टाइम लैप्स में, सो स्टोरेज फुल हो गया था, इतना बड़ा कासल मैंने जो बनाया है भाई बहुत दिक्कतें आई। बट हाँ मैंने किसी तरह आपको वॉल टावर वावर सबका दिखाई दिया, बस गार्डन ही रह गया था। बट हाँ इतना छोटा सा तो है ही, बाकी सुंदर बहुत ज़्यादा है। यहाँ से आप एंटर कर सकते हो यहाँ पे वॉल के अंदर एंड यहाँ पे वॉल के अंदर आते हैं यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब वहाँ यहाँ पे भी मैं अपनी टेबल वेबल वगैरह लगा सकता हूँ। बट नहीं उसका भी एक जुगाड़ कर रखा है हमने, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ सीक्रेट रूम बना रखे हैं दो, वो सीक्रेट तो नहीं कहेंगे क्योंकि सामने ही डोर है यहाँ पे। और ये देखो भाई हमारा छोटा सा रूम जिसमें मैं अभी आगे आके और ज़्यादा बढ़िया बना दूंगा, अभी टेम्प्रेरी रूम है। बट हाँ आप देख सकते हो दो बेड लगे हैं, अगर विलेजर अगर मैं अपना कोई रखता हूँ यहाँ पे मेरे साथ रहने के लिए सो वो आके यहाँ पे सो जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे अभी देखो रुको ये एक ही रूम नहीं है और भी रूम है, सबसे पहले तो हम ऊपर भी जाएंगे ठीक है, सबसे पहले ऊपर चलते हैं क्योंकि वो वैसा ही रूम है। और ऊपर हम यहाँ पे आ चुके हैं जो कि वॉच टावर है एंड इसके ऊपर भाई मज़ा आ जाता है, मैं यहाँ से विलेज का पूरा नज़ारा देख सकता हूँ सुबह उठ के कॉफ़ी पीते हुए। भाई यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगने वाला है, अगर रियल लाइफ में ऐसा होता तो भाई मतलब मज़े आता। एंड फ्लैग भाई हिंदुस्तानी है भाई, भाई पीछे गाना बजा दो भाई हिंदुस्तान का कभी भाई, मतलब बहुत मस्त कासल लगा। इसे आपको कैसा लगा प्लीज़ बताना एंड सच सच बताना कैसा लगा ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मुझे ट्रोल कर देते हैं भाई कि भाई अच्छा नहीं है सो हाँ भाई एकदम सच सच बताना आपको कैसा लगा। एंड ये देख सकते हो यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, यहाँ पे ट्रैप डोर लगा हुआ है एंड ये हमारा झंडा है, यहाँ से हम पिलेजर को ऐसे धुम 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 मारेंगे। अब कासल का जो है एक ही बात है पिलेजर मारने वाला भाई, यही वॉच टावर और किस काम आएगा। बट जो लुक आती है ना वो भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है एंड मन तो कर रहा है कूद जाऊँ पर यार यार देखो कितना मैडी वाला, मैं कुछ नहीं बोल पा रहा यार। तो यार आपने कासल तो देख लिया जो कि भाई कितना ही ज़्यादा यार एकदम तड़कता भड़कता है। अब आगे आकर अगर मैं इस कासल में कुछ भी यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ या फिर उसके अंडरग्राउंड कुछ रूम बनाता हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे सर्वाइवल का पार्टी बना दूंगा भाई या 3 या 4 या फिर आपको मतलब तो मेरे को 3 एपिसोड में क्या करना चाहिए 3rd एपिसोड में आप मुझे कमेंट्स में आकर बताओ। एंड हाँ मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड बेल आइकन को भी हिट कर देना और पे सेट कर देना भाई, आने वाले सर्वाइवल सीरीज के भी एपिसोड चाहिए ना तो भाई कर देना। एंड हाँ चैनल पे सिर्फ सर्वाइवल सीरीज की वीडियो ही नहीं आती है भाई और मोड्स वगैरह की वीडियो आती है, वो देखने के लिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।